साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूँ। इस रेमेडी को आप मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके देखिए। आप लोगों ने काफी विधियां ट्राई कर ली, काफी वशीकरण की विधि कर ली, काफी वीडियोस देख लिए, एक नहीं हजारों अपने वीडियोस देखे होंगे। आजकल तो दोस्तों कोई मैं देख रहा हूँ, काफी लोगों की देख रहा हूँ वीडियोस कि कुछ भी उठा करके डाल दे रहे हैं, जानकारी आधी अधूरी है। अब आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो विष के समान होता है, ठीक है। कोई भी अगर रेमेडीज अगर कंप्लीट ना हो और उसको किया जाए तो कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप भी बिगड़ जाता है। और कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसमें जो विधि बताई जाती है, जो नियम बताए जाते हैं, उनको फॉलो जरूर करें, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। आज का जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत ही चमत्कारिक है। ये प्रयोग करने के बाद में आपको कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए और आप ये सोचिए कि एक आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और इसका मेहनत का रिजल्ट प्रकृति कुदरत आपको जरूर देगी। लेकिन प्रकृति या कुदरत रिजल्ट तभी देती है जब आपके मकसद जायज होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का मिसयूज करने के लिए अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अगर बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप कहना नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है या पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। अगर डाइवर्स तक कंडीशन आ गई है तब ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम देगा। आपका कोई खास दोस्त है तो एक दोस्त दोस्त के लिए कर सकता है, भाई बहन के लिए कर सकता है, बहन भाई के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई भी जायज रिश्ता है और वो टूटने की कगार पे है या वो रिश्ता बिगड़ रहा है तो उसको बचाने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग करेंगे तो फुल पॉजिटिविटी के साथ में। दोस्तों एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करें, जो रेमेडीज होती हैं ये भी भगवान जैसे ही होती हैं। जैसे हम भगवान के मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो मंदिर में हमें विश्वास होता है कि इस विग्रह में, इस प्रतिमा में प्राण है, भगवान हमें सुन रहे हैं। तो जो रेमेडी करते हैं तो रेमेडीज को सबसे पहले एडवांस में ग्रेटिट्यूड करिए। आप मन ही मन बोलिए कि मैं उस उपाय को कर रहा हूँ, ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, ये उपाय मुझे रिजल्ट देगा, मैं इस उपाय को तहे दिल से आभार करता हूँ, करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, इससे मुझे जरूर फायदा होगा। ऐसे मन में बोल करके अफर्मेशन दें, एडवांस में ग्रेटिट्यूड करें, फिर रेमेडी को करें। आज की जो रेमेडी बता रहा हूं किसी भी शनिवार के दिन में, किसी भी अमावस्या के दिन में इसको प्रयोग किया जाए तो इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। लेकिन एक चीज बता दूं कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं अगर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि उसके ऊपर यदि किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है या कोई वशीकरण है, तो उस पर कोई भी रेमेडी आप कर लें वो वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, उसके ऊपर से उस चीज को काट ना की जाए, है ना। यदि आप लोग किसी को काफी टाइम से वशीकरण की विधि ट्राई कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक कारण ये भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हर वीडियो की तरह आप लोगों को अलर्ट कर दूं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं कि दोस्तों आजकल फ्रॉड केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जिन लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है वो लोग भी आजकल तांत्रिक बने बैठे हैं, वशीकरण की विधि करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक दिन में, एक घंटे में, तीन दिन में, तीन घंटे में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं, ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल भी ना दें। तांत्रिक क्रिया होती है एक दिन में, एक घंटे में कंप्लीट नहीं होती है। वशीकरण की विधि जो होती है तांत्रिक क्रियाओं के अनुसार 7 days, 11 days, 21 days और लास्ट 41 days में कंप्लीट होती है, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल भी ना दें। और रुद्र मेडिटेशन जो चैनल है आप लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए बनाया गया है, तो किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग ने काफी उपाय करे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपना एक बार बर्थ चार्ट चेक करा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट में कोई प्लानेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट ही अनबैलेंस है। जब तक उस प्लानेट को बैलेंस नहीं करेंगे
उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं, तो 100% और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जरूरत पड़ेगी आपको पीपल की लकड़ी की। तो किसी भी दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले पीपल के पास में जाना है, तोड़ना नहीं है लकड़ी, पीपल के नीचे जो लकड़ी डली होती है, ठीक है, तो वो लकड़ी आपको कलेक्ट करके लानी है। दूसरा आपको लाना है बरगद की लकड़ी, आपको तोड़ के नहीं लाना है, छोटी सी भी लकड़ी मिल जाए तो एक लकड़ी भी, छोटा सा टुकड़ा पीपल का ले आए, छोटा सा टुकड़ा बरगद का ले आए। तीसरी जरूरत पड़ेगी आपको आम की लकड़ी, तो आम की लकड़ी भी आपको तोड़ना नहीं है, वहां पे आम के पेड़ के नीचे एक आध लकड़ी आपको डली मिल जाती है तो वो उठा करके ले आइए। चौथी जरूरत पड़ेगी आपको जो नीम होती है, कड़वी नीम, तो कड़वी नीम की एक लकड़ी आपको ले लेनी है। इसके अलावा आप कोई भी सघन वृक्ष, छायादार वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, तो कोई भी एक फलदार वृक्ष की एक लकड़ी आपको ले आनी है। सभी वृक्षों की लकड़ी आपको तोड़ करके नहीं लानी है, नीचे डली होगी वो लकड़ी आपको ले आनी है, या किसी भी दिन ला सकते हैं। प्रयोग आपको शनिवार को करना है, लेकिन लकड़ी किसी भी दिन ला सकते हैं। अब इन सभी पांचों लकड़ियों को आपको क्या करना है, भीम सेनी कपूर की सहायता से इसको जला देना है और इसकी आपको राख तैयार कर लेनी है। ठीक है, जब राख इसकी तैयार हो जाएगी, आपको एकदम कोयला जैसे हो जाए, तो इसको पीस करके इसकी पूरा राख बना लेना है आपको। जब राख बन जाएगी तो अब किसी भी शनिवार के दिन में अचूक वशीकरण होगा, आप इस प्रयोग को करके देखिएगा, इसको साधारण प्रयोग मत समझिए, बहुत ही असाधारण और चमत्कारिक प्रयोग आपको दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब में आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा। अब इनकी आपने राख बना ली तो किसी भी शनिवार के दिन में रात्रि 12 बजे या किसी भी अमावस्या के दिन में रात्रि 12 बजे आपने क्या करना है, आपने एक बिना लाइनिंग वाला कोरा पेज आपको ले लेना है। इसके अलावा अगर भोजपत्र मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, भोजपत्र का टुकड़ा ले आए, मार्केट में आपको आराम से 10-20 रुपए का मिल जाएगा, भोजपत्र ही यूज करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथ भी जो है भोजपत्र में लिखे गए हैं। भोजपत्र जो होता है इसमें दैविक गुण होते हैं, ये पेड़ की छाल होती है, बिल्कुल पन्नों जैसा होता है, तो ये भोजपत्र का टुकड़ा आपको 10-20 रुपए का मिल जाएगा। मार्केट से 10-20 रुपए का भोजपत्र का टुकड़ा ले आए। अब शनिवार को कर रहे हैं तो शनिवार को रात्रि 12 बजे, या अमावस्या को कर रहे हैं तो रात्रि 12 बजे आपको अपने घर के किसी एकांत कमरे में या खुले आसमान में, छत में, टेरेस में, कहीं भी कोई आपको रोक टोक ना करे, इस चीज का ध्यान देना है। काली तिल का तेल आपको लेना है, काले तिल का आपको दिया जलाना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल आप नहीं लेंगे, कोई भी स्टोन पहना हुआ उतार देंगे, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी। प्रयोग सात्विक है, सात्विक तरीके से करना है। तो पहले आपको नहा धो करके स्वच्छ रहना है, स्वच्छ कपड़े पहन लेना है और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखना है आपको, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर पूर्व की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ मुख रहेगा। आपको काले तिल के तेल का दिया जलाना है, भोजपत्र का टुकड़ा सामने रखना है, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा, और वहां बैठ करके आपको उस व्यक्ति का सबसे पहले आपको 1008 बार नाम लेना है। ठीक है, पूरा नाम आपको लेना है, वहीं बैठकर उसको ध्यान करके 1008 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ठीक है, अब जो काजल आपने लिया हुआ गंगा जल से या गौमूत्र से, आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, गीला कर लेंगे। ठीक है, अब जो कोयला का जो राख बनी है उसको आप पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, भोजपत्र में एक बार उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, आप लिखेंगे ये वाले रिंग फिंगर से, ठीक है, लास्ट से सेकंड वाली रिंग फिंगर से भोजपत्र के टुकड़े में उस व्यक्ति का आपको नाम लिख देना है। नाम आपका कंप्लीट होता है, जब वो थोड़ा सा सूख जाता है उसको फोल्ड करें, सीधे हाथ में रखें, और एक आकर्षण का जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है उस व्यक्ति के साथ में। कैसे जाप करेंगे, क्ली, यहां पर गकार लगाकर भी कर सकते हैं, मकार लगाकर भी कर सकते हैं, तो क्लीम रुद्र क्लीम, रुद्र में इसलिए बोल रहा हूं रुद्र मेरा नाम है, तो आपको रुद्र नहीं बोलना है, जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम आप लेंगे, तो क्लीम रुद्र क्लीम, मतलब क्लीम अमुक क्लीम, तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे। इस मंत्र का जाप आपको 11 मिनट तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप अलार्म लगा लें मोबाइल वगैरह में, और क्लीम अमुक क्लीम, क्लीम अमुक क्लीम, क्लीम अमुक क्लीम, इस तरीके से आपको 11 मिनट तक कंटिन्यू इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब जाप आपका पूरा हो जाता है तो जो आपने जो भोजपत्र लिया हुआ है इसको किसी काले कपड़े में आपको लपेट करके और काले धागे से आपको बांध देना है, और इसको आपको 7 डेज तक अपने तकिए के नीचे रखना है। ठीक है, 7 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या करेंगे, 8वें दिन सुबह नहा धोकर के सूर्य अस्त से पहले
जैसे आज आपने किया तो आज से आप 7 days कंप्लीट करेंगे, और 7 days के बाद में जब 8वां दिन आता है तो 8वें दिन सुबह नहा धो करके 8वें दिन सूर्यास्त से पहले इस पर्ची को उठा करके आपको जो 5 वृक्ष आपने लिए हैं, जिस 5 वृक्ष की लकड़ी, वृक्ष की लकड़ी आप लाए थे, उनमें से किसी एक वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है और उनको प्रणाम करना है, क्योंकि देखिए आप जीवित वनस्पति से वशीकरण कर रहे हैं। तो हे वनस्पति राज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ, मैं अमुक व्यक्ति का वशीकरण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो इसमें आप मुझे आज्ञा दें, सफलता का आशीर्वाद दें, ऐसा बोल करके और उसके नीचे खड्डा खोद करके इसको आपको वहां पर दबा देना है। बस 7 days हो गए आपके, अब 21 days में इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है वो व्यक्ति टोटल आपके अनुकूल हो जाएगा। जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा वो आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा। आपको ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक कर देगा। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, अचूक एकदम अट्रैक्शन पावर जो होगी ना, इससे जो एनर्जी जनरेट होकर के जो फ्लो होगी ना, तो उसके दिमाग को टोटल चेंज कर देगी। वो आपसे मिले बगैर वो व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा। बस कंडीशन एक ही आ जाती है कि अगर वो व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक प्रोटेक्शन नहीं है, तभी रेमेडीज वर्क करती हैं, ठीक है। नहीं तो जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रोटेक्शन नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, तो ये रेमेडी कभी फेल हो ही नहीं सकती, गारंटी लेता हूं इस बात की। 21 days में चमत्कारिक रूप से इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से इस रेमेडी को अगर आप कर लेते हैं, पूरे नियम को फॉलो करते हुए, आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक विधि है, ठीक है, तंत्र शास्त्र की विधि है और बहुत ही चमत्कारिक पावरफुल है। पूरे विश्वास के साथ में पॉजिटिव होकर के, पॉजिटिविटी के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है। वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद रेमेडी करिए। जानकारी अगर पूरा देखने के बाद भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। या ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।